दोस्तों आईपीएल 2021 को लेकर फाइनली यहाँ पर सभी टीमों की लिस्ट जो है वो आ चुकी है कि कौन सी टीम ने कौन से प्लेयर को जो है वो किया है रिलीज और यहाँ पर किस टीम के पास फाइनली कितना पर्स मनी जो है वो बचा हुआ है आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए। और इस वीडियो में दोस्तों हम आठों टीमों की बात करेंगे, आठों टीमों के रिलीज प्लेयर आपको बताएंगे, जहाँ पर टोटल 56 प्लेयर के नाम सामने आए हैं जो कि हुए हैं रिलीज और यहाँ पर आठों टीमों की पर्स मनी क्या है आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आप कौन से प्लेयर के रिलीज होने से सबसे ज्यादा सरप्राइज हैं, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। चलिए दोस्तों लिस्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो आठ बड़े प्लेयर को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिलीज किया है, जिनमें दोस्तों एलेक्स कैरी, संदीप लमेछाने, जेसन रॉय, डैनियल सैम्स, हर्षल पटेल, तुषार देशपांडे, मोहित शर्मा और कीमो पॉल जो है वो शामिल हैं। इन आठ प्लेयर को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिलीज कर दिया है। बात करें आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए इनकी पर्स मनी की, तो यहां पर 12.8 करोड़ रुपीज इनके पर्स में आ चुके हैं IPL 2021 के ऑक्शन के लिए। चलिए दोस्तों अगली टीम की हम बात करते हैं, जहां पर हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की टीम की। तो मुंबई इंडियंस की टीम ने दोस्तों सात प्लेयर अपने जो हैं वो रिलीज कर दिए हैं, जिनमें जेम्स पैटिनसन, नेथन कुल्टरनायल, मिचेल मैक्लेनिगन, लसित मलिंगा, सर्फ एंड रदरफोर्ड, दिग्विजय देशमुख और प्रिंस बलवंत राय जो हैं वो शामिल हैं। इन सात बड़े प्लेयर को मुंबई इंडियंस की टीम ने कर दिया है बाहर। बात करें मुंबई इंडियंस की पर्स मनी की, तो आईपीएल 2021 के ऑक्शन में ये टीम 15.35 करोड़ रुपीज लेकर उतरने वाली है। तो बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस का स्क्वाड पहले से ही बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली टीम की, जहां पर हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की। तो हैदराबाद की टीम ने सिर्फ पांच प्लेयर जो हैं अपने रिलीज किए हैं, जिनमें बिली स्टैनलेक, संजय यादव, संदीप भवांका, फेबियन एलन और पृथ्वीराज सिंह जो है वो शामिल है। सिर्फ पांच प्लेयर हैदराबाद की टीम ने रिलीज किए हैं। बात करें आईपीएल 2021 के ऑक्शन में इनके पर्स मनी की, तो 10.75 करोड़ रुपीज पर्स मनी जो है वो होने वाली है हैदराबाद की टीम की आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए। चलिए दोस्तों अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। तो सबसे ज्यादा सरप्राइज आरसीबी की टीम ने किया है, 10 अपने बड़े प्लेयर जो हैं आरसीबी की टीम ने रिलीज कर दिए हैं, जिनमें पार्थिव पटेल, डेल स्टेन, एरन फिंच, क्रिस मॉरिस, इसरू उड़ाना, शिवम दुबे, मोइन अली, गुरकीरत सिंह मान, पवन नेगी और उमेश यादव जो है वो शामिल है। इन 10 बड़े प्लेयर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने कर दिया है रिलीज। बात करें दोस्तों आरसीबी के पर्स मनी की आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए, तो 35.7 करोड़ रुपीज आरसीबी के पास होने वाले हैं आईपीएल 2021 के ऑक्शन में। तो बहुत ही बड़ा पर्स मनी आरसीबी की टीम लेकर उतरने वाली है। चलिए दोस्तों अगली टीम की बात करते हैं, जहां पर बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग की। तो 6 बड़े प्लेयर चेन्नई सुपर किंग की टीम ने भी रिलीज किए हैं, जिनमें पीयूष चावला, केदार जाधव, मुरली विजय, हरभजन सिंह, मोनू कुमार और सेन वॉटसन जो है वो शामिल है। यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम ने बड़े बड़े प्लेयर जो है वो रिलीज कर दिए हैं और इनके पर्स मनी की अगर बात करें तो 22.9 करोड़ रुपीज इनके पास होने वाले हैं आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए। बात करते हैं दोस्तों अगली टीम की, जहां पर बात करेंगे किंग्स 11 पंजाब की। तो ग्लेन मैक्सवेल, सेल्डन कॉटरेल, कृष्णप्पा गौतम, मुजीबुर रहमान, जिम्मी नीशम, करुण नायर और हार्डस विलोजन, ये हैं दोस्तों सात बड़े प्लेयर जिन्हें पंजाब की टीम ने रिलीज कर दिया है और आईपीएल 2021 के ऑक्शन में इनके पर्स मनी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पर्स मनी है इनके पास 53.2 करोड़ रुपीज लेकर प्रीति जिंटा की किंग्स 11 पंजाब की टीम आईपीएल 2021 के ऑक्शन में आने वाली है। बात करते हैं दोस्तों अगली टीम की, जहां पर हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज इस टीम ने दिया है, जहां पर स्टीव स्मिथ अपने कप्तान को जो है वो कर दिया है रिलीज। इनके अलावा दोस्तों अंकित राजपूत, ओशेन थॉमस, आकाश सिंह, वरुण एरन, टॉम करन, अनिरुद्ध जोशी और शशांक सिंह, ये है वो आठ खिलाड़ी जिन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जो है रिलीज किया है। पर्स मनी की अगर बात करें तो 34.85 करोड़ रुपीज लेकर राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2021 के ऑक्शन में जो है वो आने वाली है। और एंड में दोस्तों बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो सिर्फ पांच खिलाड़ियों को केकेआर की टीम ने रिलीज किया है, जिनमें क्रिस लीन है, सिद्धेश लाड़ है, निखिल नायक, टॉम बेंटेन और एम सिद्धार्थ जो है वो शामिल है। केकेआर की टीम ने यहां पर पैट कमिंस को रिटेन किया है, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज
सरप्राइज करता है। और बात करें दोस्तों केकेआर की पर्स मनी की, तो 10.85 करोड़ रुपीस को लेकर केकेआर की टीम आईपीएल 2021 के ऑक्शन में जो है वो आने वाली है। तो दोस्तों सभी टीमों की हमने यहाँ पर बात करी, टोटल आपको 56 प्लेयर बताए हैं जो कि सभी टीमों से जो है वो रिलीज हुए हैं। और यहाँ पर 8 टीमों के पर्स मनी के बारे में भी हमने आपको बताया कि किस टीम के पास कितना पर्स मनी है आईपीएल 2021 के ऑक्शन के लिए। यहाँ पर दोस्तों काफी सारी टीमों ने बड़ा बड़ा सरप्राइज किया है, चाहे वो रिटेन करने को लेकर हो या फिर हो रिलीज करने को लेकर। आपको दोस्तों कौन से डिसीजन से सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।